आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में से बोला गया ये वाई सिटिंग ऑन ए स्विंग, ठीक है, एक वाई एक झूले पे बैठा हुआ है जो कि मूव कर रहा है अपना एंगल 30 डिग्री से वर्टिकल से, ठीक है, और विसल ब्लो की जा रही है कितनी फ्रिक्वेंसी से, 1000 हर्ट्ज से। द विसल इज 2 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, मीन जो वाई अपना वो कितना है स्विंग से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। उसके बाद बोला इफ ए गर्ल स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द स्विंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी सी विल हियर आर, ओके, तो यहाँ पे अपना जो सोर्स है अपना वो कुछ यहाँ पे है बॉय के साथ है, ठीक है, एंड ऑब्जर्वर क्या है अपना, ये जब बिल्कुल ये नीचे जा रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा जो अपना बॉय है, उस टाइम जो एक गर्ल है उसके सामने से ये पास करेगा, तो ये अपना गर्ल है जो क्या होगी, वो ऑब्जर्वर होगी, गर्ल अपनी ऑब्जर्वर है एंड सोर्स मूव कर रहा है, तो जब सोर्स मूव कर रहा हो तो इसके पास पहले अप्रोच करेगा, तो जब ये आने वाला होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो जो ये जितनी फ्रिक्वेंसी हर्ड करेगा वो क्या हो जाएगी, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी वो कितनी हो गई, सिंस यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन सोर्स एंड गर्ल के बीच में, तो जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से डिफरेंस होगी, तो जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज, तो उसे एन बोल देते हैं कि एन अपनी 1000 हर्ट्ज है, तो जितनी ये हर्ड करेगा जब वो अप्रोच कर रहा होगा सोर्स, तो वो किससे ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि अप्रोच कर रहा है, तो एन वन अपना क्या हो जाता है एन ऑफ, ठीक है, वी अपनी स्पीड ऑफ साउंड है, वी अपॉन वी माइनस जिससे जितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा होगा, मीन्स इस पॉइंट पे इसकी स्पीड, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे इसकी स्पीड वी एस है, तो वी माइनस वी एस, ठीक है। सिमिलरली जब ये इसे दूर जा रहा होगा, मतलब इसके अवे मूव कर रहा होगा, रिसेस कर रहा होगा गर्ल को, तो अब क्या करेगी, जो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व करेगी वो कम होगी, तो एन टू कितना हो जाएगा अपना एन ऑफ वी डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस, वी एस क्या अपनी सोर्स की स्पीड इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे वी एस हम कैसे फाइंड कर लेंगे, जब यहाँ पे सोर्स होगा, ठीक है, एल डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर वर्टिकल से, थीटा अपना 30 डिग्री है, तो इसकी सारी की सारी एनर्जी किस में होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, बट जब ये इसको पास कर रहा होगा अपनी, मतलब जब ये बिल्कुल वर्टिकल पॉइंट को पास कर रहा होगा, तो इसकी सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी होगी, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी वी एस है, तो यहाँ से हाफ ऑफ एम वी एस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी एल ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम किसी भी पॉइंट पर अपना कॉन्स्टेंट रहेगा, और जो यहाँ पे टोटल एनर्जी थी अपनी किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो गई होगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया, तो यहाँ से वी एस अपना मिल जाएगा, एम एम कैंसिल हो गया, ये आ गया 2GL ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए, जी कितना है अपना 9.8, एल कितना है अपना 2 मीटर, 1 माइनस कॉस 30 रूट 3 बाई 2, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सोर्स की स्पीड आ जाएगी अपनी 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, मतलब जो अपनी विसल है वो 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की 2.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पास कर रही है इस पॉइंट को, ठीक है। तो अब वी एस में पता चल गई, तो n1 फाइंड कर लेंगे, n1 कितनी हो जाएगी अपनी 1000 ऑफ इंटू 2.3 डिवाइडेड बाई v कितनी थी स्पीड ऑफ साउंड 330, तो ऊपर अपना कितना आएगा 330, ये हो गया 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 2.3। सिमिलरली n2 कितना हो जाएगा अपना 1000 ऑफ 330 डिवाइडेड बाई 330 2.3 ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ से n1 एंड n2 फाइंड कर लीजिए, तो ये आ जाता है अपना अप्रोक्स 1007 हर्ट्ज, ओके। जब n1 जब वो इसे अप्रोच कर रहा होगा, n2 कैलकुलेट कीजिए 993 हर्ट्ज, यही तो हमें फाइंड करना था, हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी थी, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कब होगी, जब वो उसे अप्रोच कर रहा होगा गर्ल को, कितनी होगी 1007 हर्ट्ज, एंड मिनिमम जब वो उसे रिसेस कर रहा होगा 993। ऑप्शन थर्ड अपना करेक्ट हो जाता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।